कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 अगस्त देर रात ट्रेनी डॉक्टर की मर्डर व रेप की घटना को लेकर आज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इस घटना के विरोध में आईजीएमसी से रिज तक कैंडल मार्च निकाला और मांग की कि भविष्य में डॉक्टर की सुरक्षा के लिए सरकार कदम उठाए ताकि इस तरह की घटना ना हो। आपके माध्यम से जितने भी लोग जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकित कुमार है एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन आईजीएमसी शिमला। यहाँ पे आज जितने भी छात्र मौजूद इस टाइम पे प्रेजेंट हैं ये सारे एमबीबीएस के छात्र हैं, कुछ इंटर्न्स हैं, कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और ये सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं जो भी घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुई है। और हम पहले देखते थे कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट, असॉल्ट, ये सब केसेस हम पहले से सुनते आ रहे हैं और लेकिन आज सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी है कि इवन रेप केस डॉक्टर के साथ ये देखा गया है। और मतलब डॉक्टर्स आज इवन हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन सबसे यही मांग है कि उन डॉक्टर को जस्टिस मिले और सर्टेन ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएँ वो कि ताकि आगे डॉक्टर्स के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। आज हम सिंपल एक कैंडल मार्च प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक यहाँ आईजीएमसी शिमला गेट से लेके रिज तक और यही हम एडमिनिस्ट्रेशन को याद दिलाना चाहते हैं कि वी आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो हमारी भी सुनी जाए। और जैसा कि आप और सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए उनकी बात भी आप ध्यान में लाएं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।